संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज के स्वाध्याय में द्वितीय अध्याय के अंतिम सूत्रों की ओर आ रहे हैं। द्वितीय अध्याय में जीवों का पूरा विज्ञान आपको बताया गया है। अंतरंग में कर्मों के उदय क्षयोपशम आदि से होने वाले भाव, जीवों के प्रकार, जीवों के जन्म, जीवों की उत्पत्ति स्थान योनि आदि, और जीवों को प्राप्त होने वाले शरीर आदि की विशेषताओं को अवगत कराने के बाद में अभी भी उन जीवों की कुछ और विशेषताएं जो शरीर के रूप में बताना बाकी है वह यहाँ पर आगे के सूत्र से कहा जा रहा है। शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। पांच शरीर बताए थे, उनमें एक आहारक शरीर के विषय में यहाँ पर चर्चा है। आहारक शरीर जो कि आप सुनते आए हो मुनि महाराज के मस्तिष्क से निकलने वाला एक विशेष पुतला होता है जो रिद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है, उसी की कुछ विशेषताओं को इस सूत्र में निबद्ध किया गया है। वह आहारक शरीर कैसा होता है ये विशेषताएं यहाँ बताई जा रही। शुभम कहा, शुभम का मतलब यहाँ पर है कि शुभ कर्म करने वाला होने से, शुभ काय योग का कारण होने से, या शुभ अर्थात पुण्य का कारण होने से इसको शुभ कहा जाता है। जो इसका कार्य है वह शुभ रूप है। इस आहारक शरीर से जो योग होगा वो शुभ होगा, जो आश्रव होगा वो शुभ होगा, जो बंद होगा वह पुण्य बंद होगा, इसलिए यह शुभ कहा गया। साथ में एक विशुद्ध शब्द भी दिया है, विशुद्धम। यह आहारक शरीर शुभ भी है और विशुद्ध भी है। विशुद्ध का मतलब यहाँ पर कि वह विशुद्ध कारणों से उत्पन्न होता है, उसके जो कारण हैं वह कारण संक्लिश नहीं है, उसका कारण क्या है, विशुद्धि भाव है। जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है वह कारण उसका शुभ है, विशुद्ध है, इसलिए इसको विशुद्ध के रूप में कहा गया है। ये जो विशेषता यहाँ बताई जा रही है ये आहारक शरीर के अंदर ही घटित होने वाली विशेषताएं हैं, क्योंकि सूत्र में जब कुछ कहा जाता है तो वह बहुत ही अकाट्य होता है
और सूत्र जिन विशेषताओं को बताता है वो विशेषताएं दूसरी जगहों पर उपलब्ध नहीं होती, वही विशेषताएं सूत्र के माध्यम से बताई जाती हैं। आहारक शरीर की ही यह विशेषता है कि वह शुभ योग वाला है, शुभ कार्य करने वाला है और वह शुभ ही रूप है, विशुद्ध भी है, विशुद्ध कारण से उत्पन्न होता है। एक शब्द जो है कार्य की अपेक्षा से है, एक शब्द कारण की अपेक्षा से है, ऐसा भी जान सकते हो। अब हम अगर यहाँ देखें तो और कोई भी शरीर हमें शुभ और विशुद्ध एकांत रूप से नहीं मिलेगा। और कौन से शरीर हैं? औदारिक हैं, वैक्रियक हैं, तेजस हैं, कर्मण हैं। ये सभी शरीर शुभ और विशुद्ध हों जरूरी नहीं, क्योंकि औदारिक शरीर का तो प्रकट रूप से अशुभ काय के योग के साथ होना देखा ही जाता है कि औदारिक शरीर के साथ में अशुभ क्रियाएं होती हैं, अशुभ काय योग होता है, अशुभ भावों का भी बंद होता है, उसके कार्य तो अशुभ रूप में देखे ही जाते हैं। वैक्रियक शरीर के कार्य भी अशुभ रूप में देखे जाते हैं, जैसे नारकियों का वैक्रियक शरीर है, हमेशा अशुभ क्रियाएं करते रहते हैं। तेजस शरीर भी देखें तो उसमें भी शुभ अशुभ पना दोनों घटित होता है। एकांत रूप से तेजस शरीर शुभ नहीं है, क्योंकि उसके दो भेद बताए थे आपको, कल थोड़ा सा बताया था कि वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुभ होगा तो अच्छा करेगा, अशुभ होगा तो सबका विनाश करेगा। तो तेजस शरीर में भी शुभता एकांत रूप से घटित नहीं होती। और कर्मण शरीर तो दोनों प्रकार का है ही है, दो ही प्रकार के, दोनों प्रकार के कर्म हैं, तो उनमें भी पाप और पुण्य घटित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो बात आहारक शरीर में है वो अन्य शरीरों में नहीं है, ये समझने की चेष्टा करनी है। आहारक शरीर ही एकांत रूप से शुभ है, वह जिस समय पर उत्पन्न होगा शुभ कार्य करेगा। अंतर मुहूर्त के लिए भी यदि वह उत्पन्न हुआ है, जिन स्थानों पर जाएगा वहां पर भी जाने का प्रयोजन उसका शुभ ही होगा। जहां पर केवली भगवान नहीं है, उन स्थानों पर रहने वाले किसी मुनिराज के अंदर अगर कोई ऐसी जिज्ञासा तत्व में संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उस संदेह का निवारण करने के लिए यह आहारक पुतला निकलता है और वह उस स्थान तक जाता है जहां पर केवलियों का सद्भाव होता है। जिन विधेय आदि क्षेत्रों में केवली भगवंत विद्यमान रहते हैं तो वहां तक पहुंचेगा वो। भरत क्षेत्र से कहां तक जाएगा? विदेह क्षेत्र तक। रास्ते में जो भी उसके लिए नदी, पर्वत आदि कुछ भी पड़ेंगे उन सबको वह भेदता हुआ भी चला जाएगा, वो कोई उसके लिए रुकावट नहीं बनेंगे। इस तरह के शुभ कार्य के लिए वो निकलता है और उसके पीछे एक उद्देश्य भी शुभ ही रहता है, जिसे हम विशुद्ध शब्द के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं कि उसके पीछे कारण जो है वो भी शुभ है। एक तो हमें अपने संदेह का निवारण करना है, दूसरा अगर हम किसी भी तरह से औदारिक शरीर से जाने की कोशिश करेंगे तो इतना दूर जाने में, है ना, चाहे भले ही रिद्धियाँ हो तो भी जाने में असंयम होगा। उसको भी बचाने के लिए, उस असंयम को दूर करने के लिए यह आहारक पुतला काम में लाया जाता है, समझ आ रहा है। अन्यथा भी देव वंदना आदि के निमित्त से भी जाया जा सकता है। कहीं ऐसे स्थानों पर कोई मान लो क्षेत्र बने हुए हैं, तीर्थ बने हुए हैं, जहां पर पहुंचने में बहुत हमें रास्ता जो है कहना चाहिए प्रासुक ना हो, साफ सुथरा ना हो, ऐसे भी कोई स्थान हो सकते हैं ना कि बहुत सारी जंगल है, झाड़ी झंकार है और उसके बाद में मान लो कोई गुफा है और उस गुफा में कोई बहुत अकृत्रिम या कृत्रिम भी सही बहुत अच्छी कोई
मूर्ति है, हमने किसी से बार बार सुना है, मान लो श्रावक आके सुना जाते हैं, क्योंकि श्रावक तो सब रास्ते क्रॉस करके चले जाएंगे, है ना। अब सुना गए तो मुनि महाराज के मन में भी कहीं इच्छा हो जाए, लेकिन हमसे वो 1000 किलोमीटर दूर है, जाना संभव नहीं है। तो इस तरह के विकल्प होने पर भी ये आहारक पुतला साथ देता है, लेकिन साथ तभी देगा जब इसका पहले बंद हुआ हो। कर्म का बंद होता है तो कर्म का उदय होता है, समझ आ रहा ना। तो कर्म का बंद तो होता है अप्रमत्त दशा के साथ में, और उदय होता है प्रमत्त दशा के साथ में। कर्म का बंद होगा सातवें गुण स्थान में, उदय होगा छठवें गुण स्थान में। इसलिए यहां पर एक शब्द आगे आ रहा है, प्रमत्त संयतस्यैव। जो आहारक शरीर निकलता है ये प्रमत्त संयत को ही निकलेगा, अप्रमत्त को नहीं निकलेगा। मतलब यह है कि जिस समय पर यह आहारक शरीर की रचना होगी, आहारक शरीर की उत्पत्ति होगी, उस समय पर उदय जब इस आहारक शरीर का होगा तो उस समय पर गुणस्थान नियम से छठवां ही होगा। प्रमत्त संयत जीव के लिए ही यह निकलेगा, इसलिए यह शर्त है प्रमत्त संयत। अप्रमत्त संयत नहीं, अप्रमत्त दशा में तो इसका बंद किया जा सकता है और अप्रमत्त दशा में इसका बंद होता है। तो यह एक कर्मजन्य एक अलग व्यवस्था है जिसके माध्यम से आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है, और यह आहारक शरीर की उत्पत्ति के साथ में कई प्रकार के नियम और भी जुड़े हुए हैं, है ना। कैसे नियम, जैसे कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ में कभी भी यह आहारक शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, आहारक शरीर का उदय नहीं हो सकता, है ना। मनह पर्याय ज्ञान होता है, उस मनह पर्याय ज्ञान के साथ में इसकी रिद्धि नहीं होती, आहारक रिद्धि की, ऐसा एक नियम है। जो नपुंसक वेद वाले जीव होंगे उनके लिए भी यह आहारक शरीर का बंद भी नहीं होगा, उदय भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि वेद भीतर से भावों की अपेक्षा से तीनों रह सकते हैं। मुनि महाराज तो हैं लेकिन वेद तीनों भी हो सकते हैं, जिसका वर्णन आगे आने वाला है, समझ आ रहा है। तो अगर कोई स्त्री वेदी हैं या नपुंसक वेदी हैं तो उनके लिए भी ये आहारक रिद्धि नहीं प्रकट होगी, तो ऐसी इसके साथ में कंडीशन है। आहारक शरीर जिसका होता है वह आहारक शरीर जिस रूप के साथ होता है वह उसका जो रूप है जिसे हम संस्थान कहते हैं वो भी बहुत सुंदर होता है, समचतुरस संस्थान कहा गया है, देवों की तरह रूप उसका अच्छा होता है, शुभ आकृति होती है, शुभ धवल वर्ण का होता है सफेद, और शरीर है पुतला है शरीर है, तो उस शरीर में कहीं पर भी कोई धातुएं उपधातुओं का काम नहीं होता, वो आप उसको एक शरीर देखें शरीर के रूप में, और वो शरीर वैसा ही जैसा देवों का शरीर होता है। देवों के शरीर में जैसे संघनन नहीं होता ऐसे ही इस इनके शरीर में सहनन नहीं होगा, लेकिन रूप आकृति संस्थान होगा। जैसे देवों के शरीर में रोग आदि नहीं होते हैं वैसे इस आहारक शरीर में भी रोग आदि नहीं होंगे, क्योंकि इसमें धातु उपधातुओं का परिवर्तन नहीं होता, रस मांस रक्त मज्जा आदि का कोई यहां पर काम नहीं होता, इतना मतलब अच्छा शुद्ध शरीर कहलाता है, है ना। तो इस तरह से ये आहारक शरीर की विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं हमें और दूसरे शरीर में उपलब्ध नहीं होती हैं। तो यह आहारक अपने आप में एक रिद्धि के रूप में भी स्वीकार की गई है, ये आहारक रिद्धि जिसके माध्यम से वह मुनि महाराज ही उस रिद्धि का प्रयोग करके केवल इसी प्रकार के उद्देश्यों से आहारक शरीर की उत्पत्ति कर सकते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति होती है तो वह भी इसकी एक रचना होती है, जैसे औदारिक शरीर की रचना होती है
तो आपको बताया कि पहले एक अंतर्मुहूर्तक अपर्याप्त दशा होती है ना, जैसे अपर्याप्त दशा होगी तो उस अपर्याप्त दशा में जो योग होता है उसको बोलते हैं मिश्र काय योग। अगर औदारिक शरीर बन रहा है तो उसकी अपर्याप्त दशा में योग होगा तो वो कहलाएगा औदारिक मिश्र काय योग। कहीं देव या नारकियों का शरीर बन रहा है, वैक्रियक शरीर बन रहा है, तो शरीर बनने से पहले एक अंतर्मुहूर्तक क्या होगी, अपर्याप्त दशा। उस अपर्याप्त दशा में जो योग होगा उसको कहेंगे मिश्र काय योग। तो वैक्रियक शरीर वाले जब उस शरीर को बनाएंगे तो उनके भी अंतर्मुहूर्त में पहले क्या होगा, वैक्रियक मिश्र काय योग। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से इस आहारक के साथ भी होता है। जब ये आहारक शरीर बनेगा, इसकी निष्पत्ति होगी, तो उससे अंतर्मुहूर्त पहले औदारिक मिश्र काय योग होगा, तब इसकी रचना होगी। फिर अंतर्मुहूर्त के उसी एक, अब एक अंतर्मुहूर्त जो कितना बड़ा होता है, अंतर्मुहूर्त में ही अपर्याप्त दशा पूरी हो जाएगी, अंतर्मुहूर्त में ही वो फिर वो उसकी रचना भी हो जाएगी, अंतर्मुहूर्त में ही वो चला भी जाएगा, अंतर्मुहूर्त में ही वो लौट के आ भी जाएगा। सब अंतर्मुहूर्त में ही हो रहा है और सब अलग अलग अंतर्मुहूर्त है। समझ में आ रहा है? तो औदारिक शरीर की तरह इस आहारक शरीर के साथ भी उत्पत्ति के समय पर आहारक मिश्र काय योग होता है, ऐसा जानना। अंतर्मुहूर्त तक मिश्र काय योग रहेगा, यह अपर्याप्त होगा उस समय पर, फिर आहारक काय योग शुरू हो जाएगा। अब आप ये भी जान के रखें कि आत्मा में इन काय योगों के माध्यम से इन वर्गणाओं को वह आत्मा आलंबन इनका लेकर के उसके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसको योग कहते हैं। तो जिस समय पर एक योग होता है उस समय पर दूसरा योग नहीं होता। यानी अभी हम लोगों के लिए जैसे मनुष्य हैं तो औदारिक काय योग का नंबर आता रहता है, है ना, औदारिक काय योग चलेगा। लेकिन जब ये आहारक काय योग बनेगा तो उस समय पर औदारिक काय योग का काम रुक जाएगा, औदारिक काय योग संबंधी वर्गणाएं नहीं आएंगी, इससे कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा और उससे कनेक्शन जुड़ जाएगा। वो एक अंतर्मुहूर्त के लिए आहारक शरीर की वर्गणाएं चलेंगी, आहारक मिश्र काय योग होगा, आहारक काय योग होगा, वो आहारक संबंधी वर्गणाएं ही आएंगी। ये सारी प्रक्रिया ध्यान में रखते हुए इस आहारक शरीर की विशेषताओं को आप अच्छे ढंग से जान लें, तेजस शरीर के साथ इसको मिलाने की कोशिश न करें। और तेजस शरीर जिस तरह से दो रूपों में होता है, वैसे आहारक शरीर दो रूपों में नहीं होता, शुभ और अशुभ या शुभ ही होता है। इसलिए इस सूत्र में अलग से आहारक शरीर के लिए इतना बड़ा सूत्र बनाया, नहीं तो तेजस शरीर के लिए तो तेजस मपी इतना ही कह के छोड़ दिया है ना। शुभ अशुभ कैसे पता पड़ेगा, तो सब इसी से पता पड़ जाएगा। समझदार लोग ही सूत्र पढ़ेंगे और समझदार लोग ही इन सूत्रों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी समझदार हैं, क्योंकि ये सभी सूत्रों को समझ में अपने अंदर बिठाना और समझ में आ पाना, ये अपने आप में दुर्लभ चीजें तो हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम द्वितीय अध्याय में जैन जीव विज्ञान को समझ रहे हैं। सूत्र 49 में हमने जाना आहारक शरीर की विशेषताओं को। यह शुभ योग वाला व शुभ कार्य करने वाला है, इससे शुभ योग होगा और पुण्य आश्रव पुण्यबंध होगा। यह मुनि महाराज के मस्तिष्क से निकलने वाला एक विशेष पुतला होता है जो रिद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है, जो उनके अंदर उत्पन्न तत्व में संदेह के निवारण हेतु निकलता है। और जहाँ भी केवली भगवंत विद्यमान रहते हैं वहाँ बिना रुकावट जाता है। यह विशुद्ध है, अर्थात यह विशुद्ध किरणों से उत्पन्न होता है। यह अन्य चार शरीरों की अपेक्षा एकांत रूप से शुद्ध ही है। औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्मण शरीरों के कार्य अशुभ रूप में भी देखे जाते हैं, और यह जहाँ भी जाएगा
इसका प्रयोजन शुभ ही होगा। यदि मुनि महाराज औदारिक शरीर से केवली भगवान के पास जाने की कोशिश करेंगे, चाहे रिद्धियों से भी हो, तो भी जाने में असंयम होगा। आहारक पुतले से उस असंयम से बच सकते हैं। यह देववन्ना के निमित्त से भी जा सकता है। उदाहरण के लिए ऐसे तीर्थ जहाँ पहुँचने में रास्ता प्रासुक साफ सुथरा ना हो। हमने जाना कि आहारक शरीर का बन सातवें गुणस्थान में अप्रमत दशा में ही होता है और इसका उदय छठवें गुणस्थान में प्रमत दशा में होता है। यह अप्रमत संयोग के नहीं निकलेगा। हमने आहारक शरीर के बंद व उत्पत्ति के नियम को जाना। इसका उदय प्रथमोक्षम सम्यक दर्शन के साथ में नहीं होता। मनःपर्य ज्ञान के साथ में आहारक वृद्धि नहीं होती। नपुंसक वेद वाले जीव के लिए इसका बंद और उदय नहीं होगा, क्योंकि वेद भीतर से भावों की अपेक्षा होता है। तो मुनि महाराज के तीनों वेद रह सकते हैं। आहारक शरीर की विशेषताएं जो अन्य शरीर में नहीं होती, बहुत सुंदर देवों की तरह समचतुरस संस्थान का होता है। इसकी शुभ आकृति होती है, शुभ धवल वर्ण होता है। इसमें धातुएं उपधातुएं नहीं होती। देवों के शरीर के समान इसमें सहनन नहीं होता। इसमें रोग आदि नहीं होते, क्योंकि इसमें धातु उपधातुओं का परिवर्तन नहीं होता। रस, मांस, रक्त, मज्जा आदि के अभाव में यह शुद्ध शरीर कहलाता है। मुनि महाराज आहारक वृद्धि से ही आहारक शरीर की उत्पत्ति कर सकते हैं। शरीर निष्पत्ति के अंतिम मुहूर्त तक यह अपर्याप्त अवस्था में होता है और इसमें आहारक मिश्र का योग होता है। इसके पश्चात पर्याप्त दशा में आहारक का योग होता है। यह अंतर मुहूर्त में केवली भगवान के पास चला जाएगा और अंतर मुहूर्त में ही वह लौट के आ जाएगा। हमने जाना कि एक समय में एक ही योग होता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।